नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी रंगदल। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। केपी न्यूज 24x7 के मैनेजिंग डायरेक्टर और नूर एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मोहम्मद अयाज खान साहब की ओर से क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास्टरों में इडन कॉलोनी के रेमा चर्च में राशन किटों का किया गया वितरण। चर्च के पास्टरों ने भी खान साहब और उनके परिवार के लिए किया प्रार्थना। बसवा कल्याण में लॉकडाउन के दौरान 8 सुनारों की दुकानों को किया गया था सीज। गुरुवार को उन दुकानदारों को जारी किया गया नोटिस। महिला से दुष्कर्म मारपीट के मामले में बेंगलुरु में 5 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। 27 मई एक महिला के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में 5 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया है गिरफ्तार। बिदर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में KPYCC के राज्य अध्यक्ष राकेश रमैया की अगुवाई में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना वितरण किया गया। DRDO ने एक एंटी कोरोना दवा का निर्माण किया है। COVID-19 DRDO की 2DG दवा की कीमत होगी 990 रुपए। क्या दिल्ली के CM ने किया है तिरंगे का अपमान? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने लिखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बैकग्राउंड में जो तिरंगा दिखाया जा रहा है उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि सफेद रंग के भाग को कम करके हरे रंग को ज्यादा दिखाया जा रहा है। प्रहलाद पटेल ने लिखा है कि यह राष्ट्रीय ध्वज संहिता का उल्लंघन है और दिल्ली के मुख्यमंत्री भारतीय तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की सुशील कुमार की मां की याचिका। मीडिया प्रोटोकॉल पर रोक लगाने की थी मांग। मेहुल चौकसी को भारत वापस लाने की कोशिशें हुई तेज। अगले हफ्ते डोमिनिका जाएंगे राजनाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में उनके दोस्त सिद्धार्थ पिटानी को NCB की टीम हैदराबाद से गिरफ्तार करके लाई मुंबई। UP अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत। CM योगी का NSA के तहत कार्रवाई का आदेश। बोर्ड एग्जाम 2021 CBSE और ICSE 12वीं एग्जाम कैंसिल होगी या नहीं, अब सोमवार को होगा फैसला। साल में 50 से ज्यादा सिगरेट पैक पीने जितना घातक है नेगेटिव सोच, इम्यूनिटी से है संबंध। कोरोना संक्रमण के दौर पे इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। पॉजिटिव सोच से भी इम्यूनिटी मजबूत होती है, वहीं सेहत को लेकर नकारात्मक सोच जल लाती है बुढ़ापा। BSNL उपभोक्ताओं के अकाउंट खाली कर रहे हैं साइबर ठग, अपना रहे हैं ये ट्रिक, आप रहे सावधान। साइबर ठग पहले एक लिंक सेंड करते हैं, फिर बार बार BSNL का मैसेज सेंड कर उनको लिंक को खोलकर KYC अपडेट करने के लिए मजबूर करते हैं। लिंक खोलते ही बैंक अकाउंट खाली हो जाते हैं। जयपुर, आर्थिक दिक्कतों के चलते बेटी की शादी से कतरा रहे थे पिता। MLA ओम प्रकाश शुंडला ने गोद लेकर हाथ करवाए पीले। शिवसेना का सामना के जरिए मोदी सरकार पर हमला, कहा भगोड़े विदेशों में आराम से घूम रहे हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ उतरा IMA, पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। एलोपैथी मेडिसिन पर टिप्पणी करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। IMA ने अब बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली के IP स्टेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फोन पर माँ से कोरोना संक्रमित बेटा बोला 2 से 3 दिन में ठीक होकर घर आऊंगा, 5 मिनट बाद मौत। दिल को झकझोर देने वाला यह मामला हिमाचल के बिलासपुर जिले से है। एंटीबॉडी कॉकटेल का प्रदेश में ट्रायल शुरू, इसी ने अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को बचाया था कोरोना से। अब उसका ट्रायल मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। इस इंजेक्शन के एक बॉयल की कीमत 59,750 रुपए है। वैक्सीन को लेकर एस जयशंकर ने की अमेरिका सांसदों से बात, बोले कोरोना के लड़ाई में भारत को मिल रहा है सहयोग। वैक्सीन लगवाने पर मिलेगी लॉटरी की टिकट, जीत सकते हैं 10 करोड़ का इनाम। अमेरिका के कई शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। KP एक्सप्रेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24x7। धन्यवाद।